वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, सिस्टम में जब भी विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो कुछ ना कुछ नए नए इशू आते रहते हैं। किसी के पास कुछ इशू आ रहा है, किसी के पास कुछ इशू आ रहा है। ऐसे बहुत सारे इशू जिनको हमने सोल्व करना बताया, आपको उनको फिक्स करना बताया। ऐसी एक प्रॉब्लम और आती है जब हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 इंस्टॉल कर रहे होते हैं। उसमें आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि दिस पीसी कांट रन विंडोज़ 11। इसमें आपसे पूछा जाता है कि दिस पीसी डजंट मीट द मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल दिस वर्जन ऑफ विंडोज़। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ विजिट http://. ये क्या इशू है, क्यों आ रहा है हमारे पास और इसको हम किस प्रकार से फिक्स करेंगे, ये प्रैक्टिकल जानते हैं और अपने इशू को फिक्स करते हैं। तो इस वीडियो में तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कंप्यूटर गुरुजी। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, जब हम विंडो इंस्टॉलेशन करते हैं और इंस्टॉल के ऊपर जाते हैं तो पहले तो पूछ रहा है कि हमारे पास की नहीं है, हम विदाउट की चलेंगे और कोई भी वर्जन हम चूज़ कर सकते हैं। होम बेसिक ही डाल लेते हैं या प्रो डालें, आप जो मर्जी डाल सकते हैं। और जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, तब आपके पास ये ऑप्शन आएगा दिस पीसी कांट रन विंडोज़, है ना। तो इसको हम फिक्स किस प्रकार से करेंगे, हमने ये ऑप्शन फिक्स करना है। तो उसके लिए हम यहीं पे अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे। जब शिफ्ट F10 आप दबाओगे तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने एक छोटी सी कमांड लिखनी है जिसका नाम है regedit, ठीक है, और एंटर प्रेस करा दें, यानी कि हमने रजिस्ट्री एडिट करना है। तो आपके पास इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपने जाना है H की लोकल मशीन के ऊपर। इसके बाद आप यहाँ पे चले जाएं सिस्टम के अंदर। इधर नीचे आप देखोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा सेटअप का ऑप्शन, ठीक है। इसको यहाँ से ओपन कर लें, एरो की से लेफ्ट में जाएंगे, एरो की से ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे सेटअप के ऊपर आप राइट क्लिक यूज़ करेंगे। राइट क्लिक यूज़ करने के बाद वहाँ से आप चले जाएंगे न्यू के ऊपर और न्यू में से करेंगे आप की के ऊपर क्लिक। यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं इस की का लैग कॉन्फिग, ठीक है। आप भी लैग कॉन्फिग डाल लें। अब इस फोल्डर को सिलेक्ट रहने दें। यहाँ पे आने के बाद आपको देखो यहाँ पे खाली पेज नज़र आ रहा है। यहाँ पेज के ऊपर कहीं भी राइट क्लिक यूज़ करेंगे तो मिलेगा न्यू। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको देखो यहाँ पे मिल रहा है कि स्ट्रिंग वैल्यू है ना, बाइनरी वैल्यू। यहाँ पे हम DWC जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 32-bit वाला सिस्टम, इस वॉल्यूम पर हम क्लिक करेंगे, 32-bit वैल्यू को ओपन कराएंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक की बन जाएगी, आप इस की का रीनेम कर लें। यहाँ पे हम टाइप करेंगे बाईपास TPM चेक, TPM को कैपिटल रख लेंगे, ठीक है। अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एक की बन जाएगी। अब आपके पास ये की बन जाएगी और इसी की के ऊपर डबल क्लिक यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है आपको वैल्यू डाटा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डाटा चेंज कर दे, मेरे पास 0 आ रहा है मैं 1 कर देता हूँ, यदि आपके पास 1 आ रहा है तो 2 कर दे और ओके करा दे। ये करने के बाद फिर से हम राइट क्लिक यूज़ करेंगे, फिर से न्यू पे जाएंगे और फिर से हम इस बार की डालेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे बाईपास सिक्योर बूट, ठीक है। आप यहाँ से आराम से स्पेलिंग चेक कर लें, विदाउट स्पेस हमने लिखना है और चेक, ठीक है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे बाईपास सिक्योर बूट चेक। तो फिर से हम इसके ऊपर डबल क्लिक यूज़ करेंगे और इसका भी हम बाईपास चेंज करा देंगे, वैल्यू डाटा के अंदर 1 डाल देंगे और ओके करा देंगे। फिर से हमने खाली जगह के ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर न्यू करेंगे और यहाँ से फिर से हम 32-bit वैल्यू पे जाएंगे और यहाँ पे इसका नाम हम डाल देंगे बाईपास रैम चेक। क्लिक के एंटर प्रेस करेंगे और फिर से इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करा लेंगे और यहाँ भी हम इसको 1 कर देते हैं और ओके करा देंगे। बस इतना काम करना है। उसके बाद हमने इसको क्लोज़ करा देना है, अपने कमांड प्रॉम्प्ट को भी हम क्लोज़ करा देंगे और यहाँ पे एक स्टेप बैक आ जाएंगे हम। बैक आने के बाद फिर से अपना कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चुनेंगे, प्रो हमने चुना, नेक्स्ट करेंगे। तो अब आप देखोगे यहाँ पे वो एरर आपके पास नहीं आएगी। आप सीधा इसको एक्सेप्ट करके और विंडो आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।